तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम खेलने जा रहे हैं फिर से माइनक्राफ्ट। तो आज हम फिर से फंस गए हैं एक गिलास के केज में। पता नहीं इसको कौन फंसा देता है, बार बार फंसना ही आता है इसको। तो चलो गेम को शुरू करते हैं। तो बाकी टूल्स वगैरह तो हम बना लेंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए बड़ी मुश्किल बात नहीं है कोई। उसके बाद कोल वगैरह तोड़ देंगे, कुछ आयरन तोड़ देंगे। तो आगे मुझे एक डंजन भी दिख गया इसके नीचे, और ये स्पाइडर स्पॉनर था। तो चुपचाप से मैंने इसको बंद कर दिया, क्योंकि अभी मेरे पास ना हेल्थ थी ना कोई फूड था। तो उसके बाद मैंने फर्नेस बना लिया, और फर्नेस को मैंने आयरन को स्मेल्टिंग के लगा दिया। फिर मैंने कुछ जगह साफ़ की, तब तक मेरा आयरन स्मेल्ट हो चुका था। तो फिर मैंने आयरन वगैरह के टूल्स बनाए, और फिर चला गया माइनिंग के लिए। और देखते हैं, आसपास मेरे कुछ सैपलिंग वगैरह भी पड़ी थी, तो उसके बाद मैंने सैपलिंग को भी उठा लिया। लेकिन उससे पहले मैंने शील्ड बनाई, क्योंकि सेफ्टी ज़रूरी है। फिर मैंने आयरन का हेलमेट बनाया, कुछ तो प्रोटेक्शन रहे ना हमारे पास, ताकि मॉब वगैरह अगर स्पॉन भी हों तो हम बचे रहें। उसके बाद मैंने थोड़ी सी खेती बाड़ी की और सीड वगैरह लगा दी, ताकि फूड का जुगाड़ हो सके। और उसके बाद ट्री वगैरह ग्रो हो रहे थे, पता नहीं रात को ही क्यों ग्रो होते हैं ये, सुबह सुबह के टाइम नहीं ग्रो होते, तो पता नहीं क्या मसला है। फिर उसके बाद मैं इधर स्पॉनर पे आ गया, ताकि कुछ लूट वगैरह उठा सकूँ। और बाकी ये कुछ स्पाइडर वगैरह थी, तो एक ही जगह पे पता नहीं इतनी सारी स्पाइडर चिपकी हुई थी। लेकिन खैर, पहले मैंने टॉर्चेस लगाई ताकि और ज़्यादा स्पाइडर ना स्पॉन हो। फिर मैंने एक इनको चुन चुन के मारा, और बदला ले लिया जितना भी इन्होंने मुझे तंग किया था। तो उसके बाद मैंने इनका सारा माल साफ़ कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ बोन वगैरह मिल गई थी, तो और खाना भी मेरे पास काफ़ी कम पड़ा था, तो मैंने एक ब्रेड खा ली, जिससे मेरा थोड़ा सा गुजारा हो गया। फिर उसके बाद जितने भी हमारे पास बोन मील पड़ी थी और जितनी भी ये सीड पड़ी थी, मैंने सब लगा दी, ताकि वाटरमेलन वगैरह भी, सब्जियां वगैरह उग सकें और हमारे खाने का जुगाड़ हो सके। तो जितने भी बोन मील थी, मैंने एक एक करके सब वीट वगैरह उगा दी और फिर तोड़ दी, ताकि हमें वीट भी मिल सके, और उसके बाद काफ़ी सारी सीड भी हमें मिल गई, जो कि मैंने यहाँ लगा दी सारी सीड। तो बाकी आप लोग देख रहे हो, ये साइडों पे, हमारे साइडों पे बॉर्डर वगैरह भी बने हुए हैं, तो यहाँ भी हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं माइनिंग के लिए चला गया था, तो मुझे नीचे कुछ डायमंड भी मिल गए थे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो 6 डायमंड तो मुझे यहीं पर मिल गए थे, और थोड़ी बहुत माइनिंग की तो मुझे ये डायमंड तो दिख गए थे, लेकिन ये लावा भी मिल गया था, जो कि आगे हम ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो बाकी कुछ आयरन भी उठा लिया मैंने, और उसके बाद डायमंड। तो देखते हैं, हमारे पास 11 डायमंड तो हो गए हैं, तो उससे मैंने डायमंड के टूल्स वगैरह बना लेंगे। और डायमंड के टूल्स ज़रा थोड़े से अच्छे होते हैं आयरन से, काफ़ी जल्दी काम करते हैं। तो उसके बाद मैंने बेड बना लिया, वूल बना लिया, और वूल को फिर हम बेड बना लेंगे। यही लॉजिक है माइनक्राफ्ट में, 3 वूल और 3 लकड़ियाँ नीचे। काश ही असल ज़िंदगी में ऐसा होता, तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन खैर, फ़िलहाल तो हम सो गए हैं सुबह। बाकी इससे हम स्लैब्स वगैरह बना लेंगे, और चलते हैं, देखते हैं कि किस तरफ हमें जाना है। इस तरफ तो नहीं जाते, ये तो बायोम है, और इस तरफ भी नहीं। तो इस तरफ ये एक विलेज टाइप लग रहा था मुझे, दूर से आयरन गोलम दिख गया था। तो आयरन गोलम विलेज में ही स्पॉन होते हैं, और विलेजर के पास। तो चलो फाइनली मैं इसके पास पहुंच तो गया हूँ, और देखता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और सबसे पहले ऐसा रास्ता बना लेते हैं, ताकि यहीं से मैं जाऊँ और कोई और वगैरह विलेजर वहाँ से ना भागे। तो चलो आहिस्ता आहिस्ता करके इनका सारा सामान चोरी करते हैं, और इन्हीं के गाजर, इन्हीं के पिग वगैरह को खिलाते हैं। तो बाकी ये आयरन गोलम मुझे दिख गया था, और फ्री का आयरन था, तो मैं कैसे छोड़ सकता था इसको।
तो चलो, और इनका राशन वगैरह भी मैंने सारा चुरा लिया। कोई बात नहीं, कभी कभी चुराना चाहिए क्योंकि अपने पास है नहीं ना। और बाकी एक मुझे ये अलग सा घर दिखा था, तो ये क्या? ये तो कुछ अलग अलग ट्रेडिंग बेच रहा है। तो चलो, 4 ऑब्सीडियन और 8 एमराल्ड के बजाय मुझे एक कंपास मिलेगा, वो भी नेदर पोर्टल का। तो हम इसमें नेदर पोर्टल बना नहीं सकते, तो चलो इन्हीं की लकड़ियाँ तोड़ के इन्हीं से ट्रेडिंग की। और उसके बाद मैंने कुछ ऑब्सीडियन तोड़े, तो काफ़ी टाइम लगा था ऑब्सीडियन को तोड़ने में क्योंकि काफ़ी हैवी होते हैं ये ऑब्सीडियन। और उसके बाद मैंने नेदर पोर्टल का कंपास ले लिया क्योंकि इसमें हम खुद ही नेदर पोर्टल बना नहीं सकते, और वहीं पे अगर बना भी लेंगे तो गलत जगह पे हम स्पॉन हो जाएंगे, जिससे जो नेदर पोर्टल के ब्लॉक्स वगैरह हैं, जो भी जार वगैरह हैं, वो हमें दिखेंगे नहीं। तो हमें वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे पोर्टल है। तो बाकी मैंने जितने भी हमारे पास ब्लॉक्स पड़े थे, मैंने उनके स्लैब्स बना लिए ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास ब्लॉक्स हो जाएं। तो चलो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके चलते हैं। और रास्ते में मुझे एक डेजर्ट टेम्पल भी दिख गया था, तो मैंने इनके सारे मॉब्स वगैरह को तो पहले मारा। तो मॉब्स वगैरह मारने के बाद मैंने लूट की इसकी, डेजर्ट टेम्पल की, और फिर मैं चला गया वापस ब्रिज आउट करने। तो देखो दोस्तों, काफ़ी ब्रिज आउट किया मैंने, तकरीबन 2-3 हज़ार ब्लॉक्स दूर था ये। फिर मैं वापस भी गया और फिर से ब्लॉक्स लाया। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं नेदर पोर्टल। और नेदर पोर्टल ये देख लो गाइस, ये वहीं पे स्पॉन हुआ है जहाँ पे सारे ब्लॉक्स है। अगर हम कहीं और नेदर पोर्टल बना लेते तो यहाँ पे नेदर पोर्टल हमें दिखता ही नहीं, वो कहीं और होता। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ कुछ बोर्ड्स वगैरह भी बना लेते हैं क्योंकि ये अलग अलग बायोम है, और ये ब्लू वाली बायोम में हमारे एंडरमैन जी स्पॉन होते हैं, एंडरमैन साहब। तो इनको बोट में बिठा लेंगे एक एक करके, और जितने भी एंडर पर्ल्स वगैरह हमें चाहिए होंगी तो इनको मार के ले लेंगे। तकरीबन आई थिंक एक स्टैक तो एंडर पर्ल चाहिए चाहिए हमें, एक स्टैक या 14 या 15, क्योंकि नेदर पोर्टल में 12 वो लगते हैं, आई मीन एंड पोर्टल में 12 एंड आई ऑफ एंडर्स लगती हैं, तो हमें 12 से ज़्यादा ही चाहिए तकरीबन। और 4 से तो हमें वो भी लेना है, 4 एंड पोर्टल से, तो मतलब 4 आई ऑफ एंडर से हमें कंपास भी लेना है एक, जिसके लिए 4 हमें आई ऑफ एंडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो बाकी फोर्ट्रेस चलते हैं, और मेरे ख्याल में हमें वो मिल भी गया है, एडवांसमेंट हमें मिल गई है। तो चलो एक एक करके ब्लेज वगैरह को मारते हैं, और जितनी भी ब्लेज रॉड हमें चाहिए तकरीबन 10 या 7 या 10 के करीब चाहिए होगी। तो चलो दोस्तों, बाकी ब्लेज रॉड वगैरह को तो हमने मार दिया, और वो काफ़ी लंबा पार्ट था तो मैंने आपको दिखाया नहीं, और कुछ ज़रूरी भी नहीं लगा। तो चलो दोस्तों, मैं अपने घर तो आ गया हूँ, और चलते हैं उस बंदे के पास और उससे वो ख़रीदते हैं। मतलब पहले स्टिक्स वगैरह तो हम सेल कर देंगे ताकि हमारे पास कुछ एमराल्ड तो आएँ, फिर हम उससे वो कंपास लेते हैं जो कि एंड एंड पोर्टल के रास्ते को दिखाता है। तो चलो, हमने कंपास वगैरह तो ले लिया है, तो कोऑर्डिनेट भी दिखा रहा था हमें। मैं यहीं से सीधा जा सकता था, लेकिन मैं चीटिंग वगैरह नहीं करना चाहता था क्योंकि साफ तरीके से जाएंगे ना। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हम अगली वीडियो में ज़रूर एंड पोर्टल जाएंगे और एंडर ड्रैगन को डिफ़ीट करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।